रसूखदार द्वारा सरकारी जमीन में अतिक्रमण। बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम ढोलिया में पटवारी हल्का नंबर 54 खसरा नंबर 269 रकवा 0.081 जिसे पूर्व से ही शासन द्वारा यात्री प्रतीक्षालय के लिए सुरक्षित किया जा चुका है, इस भूमि पर ग्राम ढोलिया निवासी संतोष तिवारी पिता कौशल तिवारी द्वारा अनेकों बार स्थगन आदेश प्राप्त होने के बाद भी बलपूर्वक अवैध रूप से मकान निर्माण कराए जा रहे हैं, जिस पर न्यायालय अनुविभागीय राजस्व बेमेतरा द्वारा पूर्व में ही स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी इस आदेश को गलत बताते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनकी शिकायत अनेक बार उच्च अधिकारियों से लेकर तहसीलदार के पास ग्रामीणों एवं पंचायत में की जा चुकी है। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण के चलते गांव का विकास बाधित हो गया है। अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बेरोक टोक स्थगन आदेश के बाद भी शासकीय जमीन पर कब्जा कर मकान बना रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ रहे अतिक्रमण के चलते लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। ढोलिया ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्यों को गति प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होने से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। कई बार अवैध कब्जा के खिलाफ उच्च अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए जा रहे हैं। ढोलिया ग्राम पंचायत के अतिक्रमण के चलते अब ग्राम पंचायत द्वारा गांव में कई लोगों ने सरकारी जमीन में मकान बना रखे हैं। अतिक्रमणकारियों ने मुक्ति धाम तक को नहीं छोड़ा है। पंचायत राज अधिनियम में प्रावधान है कि पंचायत में प्रस्ताव कर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत गांव की सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन एवं अतिक्रमण रोकने का दायित्व ग्राम पंचायत को दिया है। ग्राम पंचायत को अतिक्रमण को हटाने की शक्तियां ग्राम पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 56 के तहत दी गई है। पंचायत के प्रस्ताव और समझाइश के बाद भी अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा हटाने पर राजस्व विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत करने की प्रक्रिया की गई है। पंचायत प्रस्ताव पारित कर सक्षम अधिकारी के सूचना के बाद शासकीय जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। यह कहाँ मामला है? यह विवादित जगह में मतलब बिल्डिंग बना हुआ थे और कई बार इसके ऑर्डर आ चुके हैं, पंचायत द्वारा नोटिस भी दे चुके हैं, एक बावजूद भी है बिल्डिंग ला निर्माण ला जारी रखे और पंचायत की नोटिस ला नहीं माना थे। तो एक अब के बना हुआ थे, कतेक दिन हो गए ला बना हुआ? एक साल से पहले बना थे, संडे काम जारी करा थे, जे दिन छुट्टी थी। देखा जो है कलेक्टर लाओ तहसीलदार लाओ दीवारी से कागज से नोटिस आएगी, इसे नोटिस के आए बाद भी निर्माण कार्य और करवा दिया। क्या नाम है आपके? मोर नाम महेश साहू, ढोलिया कुप सर। अच्छा, क्या मामला है? गांव वाले सुझाव देने मांग भी नहीं करे, समाज में रिपोर्ट भी करे हैं तहसीलदार कलेक्टर तक के, जब भी काम होते काम जारी पटवारी आए हैं, काम जारी रही से बंद कराए मना कर अधिकारी मिल ले सूचना ले ऑर्डर ले मैं काम कर तू मन हाँ जाओ वहाँ काम चालू करे हैं काम करत हाँ और तू मन जन जाना है तुम करो। आप मन कहा चाहते हो गाँव वाले? मन मन चाहत हन कि भाई एक ठन तो मकान उठा चुके है और जितना मकान तत्का सभी जगह तहीं भर थोड़े रिवे और कोनो को लगही, ये चीज ला सुरक्षित रखे गे सुरक्षित रहन दे। चलो मुख्य लोग प्रमुख लोग गौठान मंदिर तालाब ऐसे जगह में मकान बना के रखे हैं, जिससे हम लोगों को भी परेशानी है और मैं एक अकेला ब्राह्मण आदमी हूँ। गाँव के 40 साल मतलब हो गया मेरी जमीन को कब्जा किए, उस जमीन में मकान बनाता हूँ तो ये लोग बार बार मेरे साथ विवाद करते हैं, एक अकेला क्या कर लेगा करके गांव घर मतलब एक साथ विरोध करते हैं और उन लोगों के लिए किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होता, कोई प्रकार से कंप्लेन नहीं होता।
और एक मेरे लिए लाठी वाठी सब बजाते रहते हैं लोग, ऐसे ही केस वेस करते रहते हैं। आज 40 साल हो गया मैं केस लड़ते लड़ते थक गए हूँ। गांव स्टे लगा है उसके बाद में भी आप कैसे मकान बना रहे हैं? तो मैं आवेदन करने के बाद मतलब बना रहा हूँ कि उन लोगों को भी मकान तोड़ा जाए, एक अकेला मैं बस दोषी नहीं हूँ, सबका तोड़ा जाए, तो मैं अपने तोड़ने के लिए तैयार होकर के ही साहब को बोलने के बाद, तो साहब बोला ठीक है भाई तुम्हारे गाँव का काम है तुम जानो, और गाँव वाले सब लोग तैयार हैं तो गाँव हर सबका साथ एक साथ तोड़ेंगे, जाओ अपना जो करना करो, गाँव वाले जाने और तुम जानो करके। तुमने बोला है कि उसका परमिशन दे दिया गया है करके? परमिशन मेरे को नहीं मिला है, मैं उसी आधार से मतलब मकान बना रहा हूँ कि गांव का सबका टूटेगा तो मेरा भी टूटेगा। तुमने एक तो अभी अवैध कब्जा करके बना के रखा है, उसके बाद दोबारा और बना रहे हैं? कंप्लेंट किए है, मैं अपना मकान बना रहा हूँ, घर बनाने के लिए, घर यहाँ रहने के लिए बना रहा हूँ, घर के अंदर मतलब गली है, गली में किसी प्रकार से कोई मरम्मत नहीं करते हैं लोग, एक ट्रैक्टर मुरुम नहीं डाले हैं, और बोलोगे तो तुम लोग नहीं करेंगे, जो करना है जाओ आगे करो करके बोल देते हैं साफ शब्द में। क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। अरे वो कहा था ना तिवारी एजेंसी से करे हैं, मैं सब कुछ साहू सरपंच बोला था जी। जो दिन मढ़ा पंचायत में भी दे रही हूँ काम लग कि नहीं करना है बोला, इसलिए लगी हम दुकान है ना, दुकान के चाल बसरा वापिस छो तो वो ना कागज में नहीं छोड़ी से ना गाँव वाली को मिला, आधा एकड़ खेत आधा एकड़ जमीन में ना पूरा है करके वक्त रखे, मैं ज्यादा नहीं बोल सका, मैं जाना भी नहीं। हाँ ये कह रहा हूँ।